अभी जरीन कहाँ रह गए सारे? खाना ठंडा हो रहा है। आओ बेटा बैठो। ये ले, रोटियां ला रही थी। अभी ये एनी कहाँ है? आ रही, ले आ गई। अब बैठ भी जाओ। आप बैठेंगी? नहीं, तुम बैठो। अब तुम क्या सोच रही हो? अपने दिल से कदूरतें निकालो और खाना खाओ, भूल जाओ हर बात। और बेटा, अफ़ान का ख्याल रखती हो ना? देखो, अच्छी बीवियां वो होती हैं जो अपने शौहर का बहुत ख्याल रखें, खास तौर पे उनके खाने का। हाँ, अब देखो, सारी जिंदगी तुम्हारी अम्मी मेरा ख्याल रखती आई हैं। क्या मतलब है आप सबकी इन बातों का? क्या जताना चाह रहे हैं आप लोग? कि मैं अपने शौहर का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकी, इस वजह से उसने दूसरी शादी कर ली? मैं निकट्ठू हूं, मैं जाहिल हूं, मैं अपने शौहर का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकी? इमल बेटा, हम क्यों तुमसे ऐसी बात करेंगे, क्यों ये कहेंगे? तो फिर क्या मकसद है इन सब बातों का? क्या सुनाना चाह रहे हैं आप लोग मुझे? हेमल, बस कर जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे, सब समझती हूँ अम्मी मैं। आप अपनी लाडली की ना नखरे उठाएं, लेकिन मुझे ये ना जताएं कि मैं अच्छी बीवी थी या नहीं। हेमल, क्या हो गया इस लड़की को? क्यों इतनी नेगेटिव होती जा रही है ये? मेरा ख्याल है कि बेचारी पहले ही बहुत परेशान है। आप इसे मत डांटा करें, आप इसके साथ थोड़ा टाइम गुजारा करें, ये ठीक हो जाएगी। ठीक कह रही है बेटी, वो वाकई इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत परेशान है। आप लोग खाना खाएं, मैं देखती हूँ। समझती हूँ अम्मी मैं। आप अपनी लाडली की ना नखरे उठाएं, लेकिन मुझे ये ना जताएं कि मैं अच्छी बीवी थी या नहीं। हेलो एनी, अब तुम ये मान लो कि तुम मुझे मेरी तरह मिस कर रही हो। अफ़ान, मैं तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम मुझे लेने आ जाओ। क्यों, कोई बात हुई है? बस मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ। देखो एनी, मैं तुम्हें लेने तो आ जाऊँ, लेकिन मुझे बात तो बताओ, मैं सारे रास्ते परेशान रहूंगा। कहा ना, कोई बात नहीं है, बस वैसे ही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ले जाओ यहाँ से। तो फिर साफ साफ कह दो ना कि तुम्हें मेरी याद आ रही है। बहुत खुशफहमी नहीं है तुम्हें इस बात की? वो तो है, खैर फिक्र मत करो, मैं लेने आता हूँ। खुदा हाफिज़।